हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर गौतमी। मैं पार्था डेंटल बोटानिकल गार्डन ब्रांच में डेंटल सर्जन हूँ। हमारा पार्था डेंटल बोटानिकल गार्डन ब्रांच कोंडापुर गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के बगल वाले बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, फिर शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक पूरा हफ्ता डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। क्लिनिक ओपन रहेगा, आप जब भी आपका कंसल्टेशन करवा के ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। पार्था क्लिनिक्स 108 क्लिनिक्स पूरे होने के अवसर पर मैं ये वीडियो डेंटल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए शेयर कर रही हूँ आप सबसे। आज मैं इस वीडियो में स्माइल डिज़ाइन के बारे में बताती हूँ। स्माइल खराब होने के एक पेशेंट आज का जमाने में इंस्टाग्राम सेल्फीज और फोटो शेयरिंग, इंस्टेंट फोटो शेयरिंग, ऐसा बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं। यानी एक ब्यूटीफुल स्माइल पाना मतलब एक ग्रेट अचीवमेंट है। स्माइल अच्छी तरह से पाने का सिर्फ दांतों को ही ठीक करना ज़रूरी नहीं है। यानी सिर्फ दांत ही नहीं, दांत के जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी गम्स, बोन्स, ये सब हेल्दी रहना, पूरा मुंह में जो भी स्ट्रक्चर्स है वो सब हेल्दी रहना भी बहुत अवसर मीन्स बहुत नेसेसिटी है। तो आज मैं ऐसे कंडीशंस के बारे में बताती हूँ जो हमारे स्माइल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी हमारे स्माइल खराब करते हैं। और ऐसे कंडीशंस अगर आपको है तो हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आप ये अगर एक फोटोज देखें तो ये जो पहले वाले फोटो में है, ये पूरे पेशेंट्स के दांत बिगड़ गए, यानी ब्लैक है, पूरे गैप्स है। ऐसा हम लोग ऐसे वाले पेशेंट को ऐसा क्राउन्स अच्छी तरह से पूरे रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम लोग जो बोलते हैं उसको करके हम लोग क्राउन्स कैप्स डाल सकते हैं। एक और अगर आप ऐसे वीडियो में देखें तो एक पेशेंट को यहाँ पे दांत नहीं है, ऐसे दांत नहीं है, तो जो वो बाहर का भी दांत हो सके या अंदर का भी जो दिखते हैं वो भी हो सकते हैं, जो अंदर है वो भी हो सकते हैं। अगर ऐसे आपको दांत नहीं है तो अच्छी तरह से नहीं दिखता है, इसीलिए हम लोग ऐसे इम्प्लांट डाल के फिर से क्राउन बनाते हैं। ऐसा यहाँ पे जगह खाली है, इम्प्लांट डाल दिया और यहाँ पे क्राउन बन गया आपका। हाँ, और एक और पेशेंट है यहाँ पे, देखिए ये जो है ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है। यहाँ पे एक पेशेंट का कंप्लेंट है कि यहाँ पे उनके बाजू वाले दांतों में गैप है बीच में, इसीलिए वो गैप फिल करना चाहते हैं। हम लोग ब्रेसेस डाल के यहाँ पे पूरा एक ब्रेसेस डालने के बाद पूरा गैप भी फिल हो गया और दांत भी एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। एक और पेशेंट है जो दांत पूरे ऐसे क्राउडेड है, वो भी स्ट्रेट करके ब्रेसेस डालने के बाद स्ट्रेट हो गए। और एक और दांत है जो पूरे गैप्स है, दो बाइट करते वक्त गैप्स है और ये नीचे के दांत जैसे देख सकते हैं पूरे क्राउडेड है, ये भी स्ट्रेट ब्रेसेस होने के बाद स्ट्रेट हो गए। एक और पेशेंट है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गमी स्माइल, यानी स्माइल करते वक्त पूरे गम्स दिखाई देते हैं। ऐसे अगर पेशेंट्स हैं तो उन लोग का स्माइल अच्छी तरह से नहीं होता है, तो हम लोग एक गम्स ट्रीटमेंट जो बोलते हैं वो करके पूरे दांत को ऐसा बनाते हैं, इसको गम्स ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये भी एक तरफ के ट्रीटमेंट है जहाँ पे आपका स्माइल अच्छी तरह से होता है। एक और है जो स्मोकिंग पेशेंट्स, यानी इन लोगों का पूरा दांत में स्टेन्स जैसा हो जाता है, तो क्लीनिंग के जरिए, ब्रशिंग उसके जरिए नहीं निकलता है, तो हम लोग ऐसा पूरा जो है उसको स्केलिंग, स्टेन रिमूवर बना के, टीथ वाइटनिंग करके पूरा ये स्टेन्स निकालने के बाद जो भी आगे है पीछे सब स्टेन्स चले जाके अच्छे स्माइल हो सकता है। एक और पेशेंट है, यानी दांत सही होना सिर्फ वो स्माइल के लिए रीज़न नहीं है, हमारा गम्स भी अच्छी तरह हेल्दी रहना चाहिए। हेल्दी गम्स मतलब ऐसा जैसे आप देख सकते हैं पूरा पिंक है, कुछ भी रेड ऐसा स्वॉलन नहीं है, यहाँ पे रेड जैसा हो गया है। अगर आपका गम्स प्रॉब्लम है तो जो अच्छे दांत है वो भी निकालना ज़रूरी है, इसीलिए गम्स हेल्दी रखना भी बहुत आवश्यकता है। और एक और रीज़न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पेशेंट को स्वेलिंग हो गया है, यानी इन्फेक्शन यहाँ पे जो पूरा कंसल्टेशन के बाद पता चला कि इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन होने के बाद ऐसे गम्स पूरे स्वेल हो जाते हैं, पेन नहीं रहता है मगर स्वेल बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं और दांत तो हिल के निकालने के ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए पूरा ये गम ट्रीटमेंट करके दांतों को भी स्ट्रेंथ बनाना है और गम्स को भी हेल्दी रखना है। एक और ट्रीटमेंट है, ये भी एक पेशेंट है जिनका पूरा दांत मिसिंग है, तो हम लोग इम्प्लांट डाल के यहाँ पे क्राउन्स, ब्रिजेस या इम्प्लांट, बहुत सारे जो तरीके हैं मिसिंग टूथ रिप्लेस करने का, वो करके यहाँ पे टूथ बना लिया, जैसे स्माइल हमारा अच्छा हो गया।
एक और है ये भी गम डिसीजेस, यानी यहाँ पे अगर पेशेंट के यहाँ ऐसे कंडीशंस में पेशेंट को पेन नहीं रहता है मगर उनका गम्स पूरा रेड स्वॉलन हो जाता है, यानी स्वेलिंग हो जाता है गम्स, ब्लीडिंग आता है ब्रश करते वक्त, पेन नहीं रहता है, मगर अगर ऐसा कंडीशन है तो पूरा गम्स का सर्जरी यानी गम्स का जो भी ट्रीटमेंट है वो करके दांतों को स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, इससे हमारा स्माइल भी अच्छा हो जाता है। ऐसा एक और पेशेंट है जो एक नॉर्मल है, देख सकते हैं पूरा येलो येलो जैसा पेशेंट, ऐसा दांतों में हो गया येलो येलो जैसा, ये पूरे फूड लॉजमेंट की वजह से बहुत दिन ऐसे रह गए, तो डेंटिस्ट के पास ना जाकर क्लीनिंग अच्छी तरह से नहीं करके ऐसा पूरा हो जाता है, जिससे हम लोग क्लीनिंग करके पूरा जो भी गम्स ट्रीटमेंट है वो करके दांतों को सही बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे दांत हेल्दी भी होते हैं और आपका जो स्माइल है वो भी अच्छी तरह से हो जाता है। ये भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है, यहाँ पे पेशेंट को पूरे नीचे के दांत क्राउडेड है, हम लोग ब्रेसेस डाल के इन लोग को सही कर सकते हैं, इससे क्या होता है कि स्माइल इंप्रूव हो जाता है। ये भी एक स्टेन्स है, ऐसे स्टेन्स स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं, कॉफ़ी जो बहुत दिनों तक कॉफ़ी के स्टेन्स है जो क्लीनिंग से नहीं निकलता है, ब्रशिंग से नहीं निकलता है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ब्लीचिंग करके टूथ वाइटनिंग बोलते हैं, टूथ वाइटनिंग करके ऐसे येल्लो वाले दांत पूरे टीथ वाइटनिंग करके ऐसा कर देते हैं। ऐसा स्माइल डिज़ाइन, स्माइल डिज़ाइन मतलब स्माइल अच्छी तरह से करने के लिए हम लोग को सिर्फ दांतों के नहीं, दांतों के जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है, गम्स, जो भी गम्स के ट्रीटमेंट चाहिए तो गम्स का ट्रीटमेंट करना है, दांतों की ट्रीटमेंट माइनस से मेजर तक बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं वो भी करना है, यानी जो भी स्मॉल कैविटी पहले क्लीन करना है, दांत अच्छी तरह से क्लीन करवाना है, जो भी कैविटी से वो फिल करना है, अगर कैविटी रूट तक बढ़ गया तो रूट कैनाल करके पूरा इन्फेक्शन निकाल के हम लोग को कैप लगाना है, अगर आपके दांत मिसिंग है तो पूरा ब्रिजेस, इम्प्लांट, जो भी तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है आजकल, तो पूरा उसको रिप्लेस करना है। ऐसे सारे दांतों और दांतों के जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है उसको सही तरह से रखने के लिए हम लोग को जो भी ट्रीटमेंट चाहिए डेंटिस्ट के पास जाइए, कंसल्टेट करवाइए, जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो ले लीजिएगा। अगर ऐसा करने से आपके दांत भी हेल्दी हो जाएंगे, पूरे मुंह में जो भी स्ट्रक्चर्स है दांतों के सराउंडिंग वो भी हेल्दी हो जाएंगे और आपके स्माइल है वो भी रेडी हो जाएगा, अच्छी तरह स्माइल कर सकते हैं। फोटोज़ में भी आपका शक्ल अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि अगर आपके दांत ऊपर बाहर है तो फोटोज़ में अच्छी तरह से नहीं दिखते हैं, हम लोग ब्रेसेस डाल के इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आपके दांत येल्लो है तो हम लोग टीथ वाइटनिंग करके दांत नीटली वाइट कर सकते हैं। अगर ऐसा स्माइल डिज़ाइन मतलब कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में आता है, जो भी आपके दांत अच्छी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, गड़बड़ है, क्रूकड है, यानी अगर टूट गया है तो कैविटीज है, फिलिंग चाहिए, गम्स स्वॉलन है, गम्स ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसे सारे तरीके क्लीन होने के बाद ही आपका स्माइल अच्छी तरह से हो सकता है। पार्था डेंटल क्लिनिक इंडिया में कहीं और नहीं है, सिर्फ पार्था डेंटल में आपको लोन फैसिलिटी में भी है, यानी 8 महीने के अंदर इंक्रीमेंटली हम लोग पे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट भी हो जाएगा और एक ही बार पे करने की ज़रूरत भी नहीं है, इससे ट्रीटमेंट अच्छे इमीडिएटली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, आपको 8 महीने के अंदर अंदर धीरे धीरे पे कर सकते हैं, इसका 0% डाउन पेमेंट है, 0% 0% इंटरेस्ट भी है, तो आप बेझिझक आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपके घर में, आपके कोई भी कुछ रिश्तेदार में, फ्रेंड्स में कुछ भी प्रॉब्लम है डेंटल के प्रॉब्लम से, तो प्लीज़ आपके जो भी नियर बाय पार्था डेंटल क्लिनिक है उससे जाइएगा, कंसल्ट करवाइए, कंसल्टेशन फ्री महीना चल रहा है, तो जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब बोलते हैं उससे ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारा पार्था डेंटल बोटानिक